जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल कि शेख, जो एक इंसान है बैंक वगैरह से लोन लेता है और वो लोन से दुकान खोलता है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो लोन वगैरह का जो है पैसा लिया है तो वापस कर देगा, या तो फिर जो है वो दुकान चलाएगा और वो दुकान से जो पैसा कमा रहा है तो उसका इस्तेमाल करना चाहता है? जी जी शेख, शेख, सवाल भाई का आवाज़ नहीं हो पाया, भाई आवाज़ कट रही का, थी। जी जी शेख, सवाल भाई का ये है कि किसी ने बैंक से लोन लिया है, उस लोन से दुकान स्टार्ट किया है, तो अब उस शख्स को क्या करना चाहिए? वो बैंक का लोन वापस कर दें, या जो दुकान से वो कमाई कर रहा है, तो क्या वो कमाई हलाल होगी या नहीं? देखिए, जो उसने सूद पर कर्ज लिया है, तो जी जब आप किसी से कर्ज लेते हो, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया बैंक से कर्ज लिया, तो ये जो 10 लाख कर्ज है, ये 10 लाख तो आपकी मिल्कियत में आ जाता है क्योंकि आपने उसको कर्ज लिया है। लेकिन जी साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है कि उस कर्ज के अंदर आपका एग्रीमेंट है कि आप सूद दोगे, तो ये जो जी एग्रीमेंट है ये हराम है, इसकी वजह से ये आपका अमल हराम है। लेकिन वो जो पैसा आपने लिया है 10 लाख रुपया, वो तो कर्ज है और वो आपकी मिल्कियत में आ गया है, तो जी वो सही कौल के मुताबिक आप उसके मालिक हो जाते हैं, आप गुनहगार हैं। सूदी मुआमला करने का जो गुनाह है उसका इंतकाब आपने किया है, लेकिन जो पैसा आपको कर्ज में मिला है वो पैसा आपके लिए, आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब जितनी जल्दी हो सके, जब आपको ये पता चला और एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं, तो जितनी जल्दी हो सके उस सूद को लौटा करके आप उससे अपना गला छुड़ाइए और अल्लाह ताला से तौबा कीजिए। लेकिन मेरी इस बात का कोई भी ये मतलब ना निकाले कि चलो बैंक से कर्ज ले लेते हैं, एक आध साल में लोन भर जी देंगे, उसके बाद तौबा कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। ये हम उस आदमी के लिए बता रहे हैं जिसको पता नहीं था, ये जो गुनाहों में डूबा हुआ था, अब निदामत हो रही है उसे। तो वो दुकान जी जो है आपका, वो दुकान आपकी है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप सूद भर दीजिए और उसे छुटकारा हासिल कीजिए और तौबा कीजिए अल्लाह ताला से। किसी ने कह कोई कहने वाले ने कहा है कि आप जो उसमें से आप पैसा कमाते हैं तो घर पे नहीं दे सकते, तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए या फिर जो है दुकान बंद कर देना चाहिए? क्या बनाते हैं शेख? किसी ने कहा है शेख कि वो यानी दुकान का पैसा घर पर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भाई पूछ रहे हैं कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या दुकान बंद कर दें, सबसे बेहतर क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए खैबर से खजूर लेकर के। खैबर एक शहर है मदीना से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर। वहां से खजूर लेकर के आए, वहां खजूरें पैदा होती हैं बहुत ज्यादा उस जमाने में भी। तो अल्लाह, वो जो खजूरें लाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूरें थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या खैबर की तमाम खजूरें इसी तरह की हैं, इतनी ही अच्छी हैं? उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के नबी, वहां पर अच्छी क्वालिटी की भी खजूरें हैं, खराब क्वालिटी की भी खजूरें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो खराब क्वालिटी वाली खजूर होती है हम 2 सा देते हैं और 1 सा अच्छी क्वालिटी वाला खजूर ले लेते हैं। हम 2 सा या 3 सा देते हैं खराब क्वालिटी का खजूर और उसके बदले में हम 1 सा अच्छी क्वालिटी वाला खजूर ले लेते हैं, तो हम आपके लिए ये अच्छी वाली खजूर लाए हैं, इसी तरह करके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ये तो यही तो सूद है। अल्लाह के नबी से ने कहा कि ऐनुर रिबा, यही तो असली सूद है। तो अल्लाह के नबी से ने उसको सूद बताया, लेकिन अल्लाह के नबी से ने उनसे ये नहीं कहा कि जो लेकर के आए हो ये तुम्हारे लिए हराम है, जो मामला जी आप किए हो उसको हराम नहीं है, फेंकना नहीं है, वापस नहीं करना है। तो ठीक है, अगर किसी ने जहालत में आकर के ऐसा किया या किसी ने कोई गुनाहों में मुलव्वस था, इस तरह के सूदी मसाइल में घिरा हुआ था, अब उसे निदामत हो रही है, तो जो पैसा वो ले चुका है वो उसका है, अब वो फौरन वहीं से तौबा करे। तो आपने जो, ये तो एक बात हुई, और इससे भी ज्यादा अहम बात कि जब आप कर्ज लेते हो तो जो कर्ज की असल रकम है वो सूद नहीं है, उस रकम के आप मालिक हो जाते हो। सूद तो जो आप दोगे वो है,
अगर वो सूद देने का एग्रीमेंट नहीं होता तब तो कोई मसला ही नहीं था। लिहाजा वो जो माल आपने कर्ज में लिया है आप उसके मालिक हो, लेकिन आपने जो गुनाह किया है आप उस पर तौबा कीजिए। उस माल को फेंकने की वापस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सूद फौरन भर दीजिए और तौबा कीजिए।